ओके स्टूडेंट, आज हम लोगों को स्टार्ट करना है सल्फोनेशन की रिएक्शन, ठीक है ना। आज आप लोगों को जैसे कि बताया गया होगा बच्चों कि जो जेईई और नीट के जो क्वेश्चंस हैं वो आज सॉल्व नहीं करवाए जाएंगे, है ना। वो शायद संडे को करवाना है या पता नहीं बच्चा कब तक करवाना है, लेकिन हम लोगों को जो है आज वही अपने अमीन्स वाले चैप्टर को स्टार्ट करना है, ठीक है ना। तो मीन्स में मैंने आप लोगों को कल नाइट्रेशन की रिएक्शन को बताया था, कैसे नाइट्रेशन की रिएक्शन को सॉल्व किया जाता है ना। और दूसरी सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात ये बताई थी कि अगर किसी किसी बेंजीन रिंग में दो एक ऐसा कंपाउंड हो जिसका माइनस आई इफेक्ट भी लग रहा हो और प्लस आई इफेक्ट भी लग रहा हो, मतलब माइनस आई और प्लस आई अगर किसी रिंग में है, एक ग्रुप अगर ऐसा है बच्चों कि जिसका माइनस आई और प्लस आई दोनों टाइप का इफेक्ट लगता हो, तो हमेशा आपको किसको जो है डोमिनेंट मानना है, इंडक्टिव इफेक्ट वाले को, मतलब प्लस आई वाले ग्रुप को डोमिनेंट मानना है, जिस प्लस आई से जनरली रिंग को एक्टिवेट किया जाता है। दैट्स व्हाई दैट टाइप ऑफ द ग्रुप जनरली नोन एज द रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप। इसलिए उस टाइप के ग्रुप को हम लोग रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं, और रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप ऑलवेज ऑलवेज मोर डोमिनेंट होगा कंपैरिजन टू द रिंग डी एक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है ना। यहां तक मैंने आप लोगों को बता दिया था। सल्फोनेशन की रिएक्शन में कुछ ज्यादा टफ तो नहीं है, सिंपल रिएक्शन है सल्फोनेशन में। देखिए सल्फोनेशन क्या होता है, आप लोगों को पता है कि सर ये रिएक्शन जनरली H2SO4 की प्रेजेंस में होता है, ठीक है ना। तो इसमें से होता क्या है जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। इसमें से बच्चों जनरली किस तरीके से ये रिएक्शन होती है, SO3H बनता है। ये कैसे बनता है जरा देखिए। सबसे पहली बात जाहिर सी बात है, यहां से मैंने आपको बताया था ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, और एक और मॉलिक्यूल आप लोग क्या करिएगा सल्फ्यूरिक एसिड का ले लीजिए। दो सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल को लेते हैं तो एक का लोन पेयर क्या करता है इसको खींच लेता है, ठीक है ना। एक सल्फ्यूरिक एसिड का ऑक्सीजन का जो लोन पेयर होगा वो सामने वाले से प्रोटोन को खींच लेगा, क्योंकि ये जो है एक पोलर कोई भी एक खींच लो, ठीक है। तो देखिए तो जब ये इसको खींचेगा तो ये तो अलग हो गया, ये तो अलग हो गया, तो ये क्या बन जाएगा OH2 बन जाएगा। देखिए ये क्या बन जाएगा OH2 पॉजिटिव चार्ज, सल्फर ऑक्सीजन सल्फर और इधर OH ऐसा कुछ बन जाए। आगे अगर इसको थोड़ा सा हीट करोगे को यहां से डोनेट करेंगे और इसको इधर को रिमूव कर देंगे, तो आप देख रहे हैं ये क्या बनाएगा। देखिए SO3 बना के रख देगा प्लस वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है ना। ये जो SO3 है ये एक एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा, ठीक है ना। ये SO3 जो है एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करता है। तो जरा ध्यान से देखिए, आप लोगों को मैंने बताया था ये NH2 होता है, इस NH2 को जब भी H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये किसके साथ रिएक्शन करता है, SO3 के साथ रिएक्शन करता है। यहां से क्या निकलेगा बेटा SO3 निकलेगा, तो इसके पैरा पोजिशन से ये निकलेगा और इसको ऊपर ले जा लेगा। SO3 पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो एक ऐसा कंपाउंड बनेगा, ठीक है ना। तो ये बहुत ही सिंपल टाइप की रिएक्शन थी, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। चाहे अगर मैं इसको बताऊं नया ना बताऊं भी तब भी आप इसको बहुत अच्छे से जानते हैं, जाहिर सी बात है ये रिएक्शन आपको पहले से आती है।
आइए कुछ इसमें प्रैक्टिस करते हैं। मैंने आपको कुछ रिएक्शन सॉल्व नहीं करवाई है, प्रैक्टिस करते हैं फिर आगे कुछ बात करते हैं। बहुत सिंपल है, तो कुछ खास भी नहीं है, तो इसलिए हम लोग ज्यादा इस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। वैसे भी सल्फोनेशन की रिएक्शन मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर फर्स्ट अल्काइल एंड अराइल हैलाइड में पढ़ाया हुआ है ना, सल्फोनेशन की रिएक्शन को वहां पे पढ़ाया है, इसलिए मैं ज्यादा इस पर डिस्कस भी नहीं कर रहा। कौन सा ग्रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ये सब बातें आप लोगों को बताएगी। सुनिए जरा बढ़िया से। सपोज एक रिएक्शन ऐसे देता हूं मैं, MH2, ठीक है ना? ऐसा कुछ दे दिया और इसको आपसे कहते हैं HNO2+HCl से रिएक्शन करिए, X को बना दीजिए। वो X क्या होगा उसको बनाइए जरा, 2 मिनट का टाइम आपके पास। हो गया क्या? अरे हो गया क्या? अरे हो गया क्या? यस सर। ओके और किसी ने किया?
बहुत सिंपल इक्वेशन है ये तो, पढ़ाई सिंपल है, बस थोड़ा सा दिमाग घुमाना है और माइंड एक बार थोड़ा चला लिया तो हो सकता है याद लोगों से जल्दी से हो जाए। चलिए मैं समझाता हूं आप लोगों को। देखिए बच्चों, पहली बात तो ये आपको पता है कि यहां पे डाइजोटेशन की रिएक्शन हो जाएगी, इसको आप लोग डाई एजोटेशन बोलेंगे। तो देखिए क्या बनता है, N2 पॉजिटिव इसमें लग जाएगा, ऐसा कुछ होता है। अब आगे क्या होगा, आप लोगों को पता है कि सर यहां पे ये कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड लगा हुआ है, ये नाइट्रोजन क्या करेगा, हमेशा हमेशा जो है कोई इस नाइट्रोजन को धक्का दे देता, इस नाइट्रोजन को कोई धक्का दे देता ये N2 प्लस को, तो ये स्टेबल हो जाता, N2 बन जाता। कोई इस नाइट्रोजन प्लस को धक्का दे देता तो ये यहां से इस इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर चला जाता और ये स्टेबल हो जाता, N2 में स्टेबल हो जाता। तो यहां से क्या होगा, ये वाला डबल बॉन्ड इधर कूद मार देगा। जरा ध्यान से देखो, ये वाला जो डबल बॉन्ड होगा बच्चों, ये वाला डबल बॉन्ड सीधे इधर कूद मार देगा, और जब इधर कूद मारेगा तो ये जो N2 है यहां से ऐसे को बाहर निकल जाएगा, है यही तो निकलेगा। और जब ये निकलेगा तो देखिए लिखी, ये बन तो गया, यही बनाया था क्या? Yes, sir. Okay. Very, very good. बच्चों मैं आप लोगों को एक इक्वेशन देना चाहता हूं, शायद ये आपको अभी तक सिखाया होगा या नहीं सिखाया होगा, कोई बात नहीं, फिर भी मैं ही इसको सॉल्व करके देता हूं। ये लाइट है, लाइट एल आई दिख रहा है क्या, एल आई जैसा दिख रहा है, लाइट लिखा हुआ है, मिथाइल ऑक्साइड सॉरी मिथेनॉल के साथ लाइट की रिएक्शन करवाई, ठीक है ना। इस रिएक्शन का क्या प्रोडक्ट बनता है मैं आपको बता दूं, जरा ध्यान से देखिए, ये थोड़ा सा अलग टाइप की रिएक्शन है फिर भी मैं आपको बता। जब भी आप लोग इसको यहां से तोड़ते हो बच्चों, तो इस कार्बन एटम पे ध्यान से सुनिए, ये नया रिएक्शन अभी तक नहीं बताया है, अभी बता रहा हूं, सुनो। जब भी आप इसको यहां से तोड़ते हो बच्चों, इस कार्बन एटम पे एक कार्बीन बन जाता है, ऐसा कार्बीन बनता है, देखो कार्बीन जैसा, बिल्कुल दो बूंद रख दो उस पे, उस कार्बन एटम पे दो बूंद रख दो जिंदगी की, वो कार्बीन बन जाएगा। अब जब ये कार्बीन बना हुआ है, ध्यान से सुनिए, जब भी आप इसको यहां से निकालोगे तो ये कार्बीन का फॉर्मेशन करेगा, जब भी ये इसको यहां से निकालोगे तो ये कार्बीन का फॉर्मेशन करेगा, इस बात का ध्यान रखो। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा बेटा, ये आप इसको निकालो तो कार्बीन को बनाओ, बिल्कुल बढ़िया सा होता है, ठीक है। अब आपने जब इसको निकाला तो इसने कार्बीन बनाया, तो देखो कार्बीन ऐसे रिएक्शन करता है, रिअरेंजमेंट करता है ऐसे,
ऐसे ही करता ना, यहां से इधर आता है और ये वाला जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है ये टूट के इधर चला जाता है, इस कार्बन एटम। दोबारा सुनो क्या क्या मैंने, देखो पहले मैं इसको बना देता हूं। ऐसा बनेगा, ऐसा क्या बनाया, देखो देखो क्या किया मैंने, ये थोड़ा अलग दिख रहा है। आप एक काम करो, ऐसा बना लो। देखो क्या क्या मैंने, देखो मैंने रीअरेंजमेंट किया। रीअरेंजमेंट क्या किया, इस दो बूंद को ऐसे यहां से रीअरेंज ऐसे में किया, कर दिया। तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आया है, देख लो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आया, डबल बॉन्ड। और इस वाले बॉन्ड को तोड़ के सीधे इधर जोड़ दो, मतलब इस कार्बन और ये वाला बॉन्ड यहां से तोड़ दो, मतलब जो ये वाला कनेक्शन था, ये वाला कनेक्शन को तोड़ के मैंने सीधे इधर से इधर लगा दिया। देखो इधर से इधर लगा दिया, इधर से इधर लगा दिया, और देखो इधर से इधर लगाया, और कार्बन ऑक्सीजन ये जो कनेक्शन है ये टूट गया ना, ये ऐसा बन गया। देख लो भाई, किसी को अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, किसी को अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। जूम कर दिया मैंने उस साइड को, देख लो अच्छे से। क्लियर हुई बात? ठीक है, चलिए अब इतना आपको समझ में आ गया है, बस अब जाहिर सी बात है सर, बस आगे रिएक्शन करवा दो। किसको, मिथेनॉल जब रिएक्शन करेगा तो ओएमई आएगा, तो ओएमई कहाँ रिएक्ट करेगा, इस पे रिएक्शन करेगा, इस कार्बन पे, ये ऊपर चला जाएगा। ऐसा बनेगा है ना, ये ऊपर चला जाएगा ऐसे, ये ऐसे बन गया। तो देखो बच्चों, ये ऐसे यहां से इधर आ जाएगा और ये यहां से ऐसे बन जाएगा, वापस आएगा ना। एक ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, देख लीजिएगा, अगर किसी स्टूडेंट को डाउट है तो पूछ भी लीजिएगा साथ में। सो ये लास्ट 2 स्टेप फिर से समझाओ ना। ओके, देखिए ये यहां से इधर आया और ये यहां से टूट के इधर लग गया, ठीक है ना, मतलब ये यहां से इधर आया, ये यहां से टूट के इधर आ गया, ठीक है ना। और उसके बाद इस पे ओएमई माइनस अटैक करेगा, इसी कार्बन पे, इसी कार्बन पे ये अटैक करेगा, तो यहां पे तो ये ऊपर जाएगा, तो ऐसा बनेगा। इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो आ गया नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज वापस आएगा तो ये वाला डबल बॉन्ड इस कार्बन पे जाएगा, तो हाइड्रोजन टॉटोमराइज टाइप का होगा, नहीं है ना, टोटोमराइज टाइप का होगा। इधर ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड आएगा और इधर बच्चा पार्टी ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया ऐसे, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड, और ओएमई तो अपनी जगह पे लगा हुआ है, ओएमई तो अपनी जगह पे लगा हुआ है।
ठीक है ना। कोई भी अगर डाउट है तो पूछ लीजिएगा भाई। आगे समझ में? चलिए अब बच्चों एक क्वेश्चन आपको देते हैं, फिर आगे कंसेप्ट पढ़ाते हैं। आज का जो कंसेप्ट होगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो आज का कंसेप्ट होगा वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है ना, जो आज का जो कंसेप्ट होगा ये काफी इंपॉर्टेंट। तो एक क्वेश्चन और सॉल्व करवाते हैं, ये आप ही को करना है भाई, ये इंपॉर्टेंट भी है। लो ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सर वो फोर्थ बॉन्ड में क्या लिखा है मिथाइल के अलावा? NBU, ये ET है या NBU है? पूरा फाइनल रिएक्शन तक करना सॉल्व।
ओके, बड़ा टाइम हो गया यार, तब से नहीं हुआ क्या? हाँ बेटा, नहीं हुआ क्या तब से? तो बड़ा लंबा समय हो गया भाई। इधर देखिए, अरे ये एक एलिमिनेशन की रिएक्शन होगी, एलिमिनेशन की रिएक्शन होगी, और ये वाला एक लिविंग ग्रुप है। यहाँ पे आप लोगों को इतना आसान सा क्वेश्चन नहीं आ पा रहा है। देखिए, ये एन पॉजिटिव है, ये मिथाइल है, ये इथाइल है, ऐसा बनाओ, ये ब्यूटाइल है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया बस। अब ये बेस क्या करेगा, प्रोटॉन लेगा, तो ये बेस उस साइड से प्रोटॉन लेगा जहां से जो सबसे कम स्टेबल क्या बन रहा होगा, एल्कीन बन रहा होगा, तो OH माइनस इस वाले प्रोटॉन को खींचेगा, इसको ऐसे तोड़ देगा, देख लो ऐसे तो तोड़ेगा, तो क्या बना, देखो ये कार्बन है, ये कार्बन है, तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस। बड़ी शर्मनाक बात है ये, तो जो है बहुत ही शर्मनाक बात है। बस अब यही तो बचा यार, तो इस छोटी सी बात को आप लोग बता नहीं पा रहे हो क्या है? ये तो बड़ा ही आसान है, आप लोग खुद बताइए क्या इसमें कुछ टफ है क्या? एलिमिनेशन की रिएक्शन है। अब एक्चुअली क्या हुआ, ये होफमैन मिथाइलिन ऑब्जेस्टिव एग्जॉस्टिव की रिएक्शन है। एग्जॉस्टिव का मतलब हो गया बहुत सारे एल्काइल ग्रुप आ गए हैं, पहले से ही आ गए हैं उस पे। सुनो, ये कौन से, ये पहले से ही आ गए हैं, अगर आने वाले तो बाद की बात है, ये तो पहले से आके हुए उसमें बना रखा है फाइनल प्रोडक्ट, आपको बस जो है एलिमिनेट करना है। और आपको बताया था जहां कहीं भी ये NR3 एक ऐसा लिविंग ग्रुप होता है तो हमेशा जो है होफमैन एल्कीन बनती है। तो ये कितनी बार समझाऊं मैं, आप खुद बताइए, होफमैन एल्कीन लिख लिया मैंने, इस बात को कितने बार बताने की जरूरत है मुझे बताइए। ये तो बड़ा ही सिंपल है, यहां से प्रोटॉन इसको खींच लेगा और ये इसको खींच लेगा, तो ये इसको इधर निकाल देगा और ये यहां से इसको ले जा लेगा। अच्छा जी, तो बहुत ही सिंपल है। अगर आप लोग इसको करोगे तो ये काफी ज्यादा आसान भी है, कुछ भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, आ गया समझ में सभी को? बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग पढ़ते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है डाइएजोनियम सॉल्ट। ये डाइएजोनियम सॉल्ट क्या होता है, कैसे इसके बारे में किन किन चीजों को जो है कोरिलेट किया जाता है, ये सब हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। आइए बच्चों सीखते हैं डाइएजोनियम सॉल्ट क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, तो नोट करते रहिए और बीच बीच में आप पूछ भी सकते हैं, ठीक है ना। देखिए सबसे पहली बार बेंजीन रिंग के साथ एक ऐसा N2 पॉजिटिव वाला ग्रुप लगा रहता है, इसको बोला जाता है बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ब्लर हो गया है पिक्चर शायद, थोड़ा हो गया क्या? नो सो सही दिख रहा है? नो सो ब्लर है। टेक नहीं कर पा रहा हूं जल्दी से। तो इस टाइप के ग्रुप को बोला जाता है बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। इस बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट का हमेशा आप लोग देख रहे हैं बच्चों एक रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये जो डाइएजोनियम है ये आप लोग बोलते हैं सर ये एक रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा। रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप इसको क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि आप लोग समझ गए होंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ ऐसे खींचेगा खींचेगा ना, और जब ये ऐसे खींचेगा तो जरा ध्यान से देखिए, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज ऐसे आएगा तो ये ऐसे बनाएगा, बनाएगा क्या, ठीक है ना। सब लोगों को पता होना चाहिए ये कुछ ऐसा कंपाउंड बना के रख देगा, ठीक है ना। जैसे इस पे डबल बॉन्ड आएगा, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। नेक्स्ट जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा ये ऐसा वाला कुछ हो जाएगा, और इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना। तो इस कार्बन पे ऐसा कुछ आप खींच दोगे N2 हो जाएगा, ए पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा। अगला स्ट्रक्चर क्या होगा कि सर ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो आपने देखा कि अगर आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हो बच्चों, अगर आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आप लोगों ने देखा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हमेशा हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब ऑर्थो और पैरा पोजीशन इस कंपाउंड के रिस्पेक्ट में बेंजीन रिंग के लिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होंगे। कंपाउंड में बेंजीन के रिस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा पोजीशन हमेशा हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होंगे, ये बात मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। तो आप लोगों को पता होना चाहिए जब भी आप किसी एनिलीन कंपाउंड को, ठीक है ना, जब भी आप किसी भी एनिलीन कंपाउंड को NaNO2+HCl के साथ रिएक्शन करते हैं 0 to 5 degree Celsius टेम्परेचर, ये इसके लिए एक फिक्स टेम्परेचर है। तो हमेशा आप लोग जानते हैं सर डाइएजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, और उसके बाद जब ये डाइएजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है ना, और साथ में आप जो है जो भी चीजें बना रहे हैं NaCl या जो भी आप बना रहे हैं ये बन जाए, और इसी का नाम मैंने आपको बताया अभी अभी, यही इसी को बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। इसी को बोला जाता है बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। आइए सीखते हैं। जनरली ये टू टाइप का, ये जनरली ये जो बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट होता है बच्चों, ये दो टाइप की रिएक्शन को शो करता है। ये बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट जनरली दो टाइप की रिएक्शन को शो करता है। तो देयर आर द टू टाइप ऑफ द रिएक्शन, या मैं यहां पे लिखूंगा
दिस कंपाउंड, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो Ar(N2) पॉजिटिव ऐसे भी लिख सकता हूं, Ar(N2)2 पॉजिटिव, सो 2 type of reaction. ये जनरली 2 type की रिएक्शन को शो करता है. जो पहला टाइप का रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और दूसरा टाइप का जो रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन. कपलिंग रिएक्शन. अब आप लोग समझ गए होंगे कि सर ये जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है ये 2 type की रिएक्शन को शो कर रहा है. बच्चों पहला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला मैंने लिखा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और दूसरा मैंने लिखा हुआ है कपलिंग रिएक्शन. आइए पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या इसको कभी कभी रिप्लेसमेंट भी बोल सकते हैं. रिप्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना. आइए एक एक करके दोनों के बारे में पढ़ते हैं. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. 2016 या 17-18 में कपलिंग रिएक्शन से जी एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ था. बड़ा ही सिंपल टाइप के क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से, बस आपको थोड़ा सा कंसेप्ट का पता होना चाहिए कि कैसे करना है, ठीक है. आइए बढ़ते हैं इसमें थोड़ा सा आगे. सुनिए तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये एक SN1 टाइप की रिएक्शन है, ठीक है ना. ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये जनरली SN1 टाइप रिएक्शन है. ये पूछा जाता है कौन सी रिएक्शन है, जनरली एक SN1 टाइप की रिएक्शन है. इस रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, रिप्लेसमेंट ऑफ N2 गैस होता है. इस रिएक्शन में आप लोगों को पता होना चाहिए कि सर इसमें हमेशा जो है रिप्लेसमेंट ऑफ N2 गैस होता है. आइए सीखते हैं, आप लोगों को समझाते हैं. देखो R ऑफ N2 ये डाइजोनियम है, या मैं यहां पे लिख देता हूं Ar ऑफ N2. सुन रहे हैं क्या? देखिए अब यहां से अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यही स्टेप इसका. इसके बाद जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यही स्लो स्टेप होता है, और इसी को RDS स्टेप भी बोलते हैं. पूछा जाता है जो जो लाइन जो जो बातें में SN1 RDS स्टेप ये सब पूछा जाता है एग्जामिनेशन. मैं तभी लिख रहा हूँ, नहीं तो मुझे तो ज्यादा ठीक भी नहीं, क्योंकि जो सब इम्पोर्टेंट है वो बातें मैं जो है बोर्ड पे लिख रहा हूँ, अदरवाइज कोई मुझे शौक थोड़े नहीं लिखने का, मेरा कोई आदत से थोड़े नहीं. जब भी बच्चों आप इसको वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करते हैं तो जरा ध्यान से देखिए, हमेशा ध्यान से देखिए. यहां से मैंने कहा रिप्लेसमेंट ऑफ N2 गैस होता है, तो N2 निकलेगा तो Ar पे क्या लग जाएगा, ArOH बन जाएगा, ठीक है ना. दूसरा अगर मैं कहूंगा CN- रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, ArCN बन जाएगा. तीसरा अगर मैं लिखता हूं X- अटैक करेगा, तो तीसरा अगर अटैक करेगा तो ArX ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है ना. कोई भी दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए,
या इसमें दूसरा टाइप का एक रिएक्शन है H2PO3 के साथ रिएक्शन करेगा, ध्यान रखिएगा ओनली ARH लगेगा इसमें, समझ रहे हैं क्या, ओनली ARH लगेगा, या मैं इसको HBF4 के साथ रिएक्शन करूंगा। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे ये BF3 अलग हो जाता है और ये और साथ में क्या बनता है इसके, और F- अलग हो जाता है, ठीक है ना। HBF4 के साथ बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये सारे के साथ। जब भी आप HBF4 के साथ रिएक्ट करते हो तो HBF4 के साथ जब रिएक्शन करोगे तो आप हमेशा ध्यान रखिए F- जो है अटैक करेगा इस पे, ARF का फॉर्मेशन होगा, ARF का फॉर्मेशन होगा, ये आप लोगों को देखना है, ठीक है। चलिए दूसरा स्टेप, दूसरी बात मैं आप लोगों को क्या बताने जा रहा हूं, देखिए आपने पढ़ा था सैंडमेयर की रिएक्शन भी पढ़ा था, सैंडमेयर भी इसी पे है। सैंडमेयर रिएक्शन पे क्या बोला था कि ArN2 पॉजिटिव को कॉपर क्लोराइड, ठीक है ना, कॉपर क्लोराइड HCl के साथ रिएक्शन करो, कॉपर ब्रोमाइड HBr के साथ रिएक्शन करो, है ना। कॉपर को +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होना है, किसमें, सैंडमेयर की रिएक्शन में, जो बढ़िया से पढ़ा है मैंने। तो क्या बनाएगा, ARCl ARBr, यही बनाएगा क्या, देख लीजिएगा, ठीक है ना, कोई भी दिक्कत नहीं। दूसरा हमारे पास है गेटरमैन्स की रिएक्शन, ये भी आपको पढ़ाया गया है कि इसमें भी क्या होता है, ARN2 पॉजिटिव को सैंडमेयर की तरह ही है, बस कॉपर HCl के साथ रिएक्शन कर दो या कॉपर HBr के साथ रिएक्शन, कॉपर HCl से करोगे तो AR ऑफ Cl हो जाएगा, AR ऑफ Br हो जाएगा। दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके, नोट करिएगा, ये सब बातें मैं पहले बता दिया हूं, लेकिन फिर भी क्या है, एक बार और आप लोगों के माइंड में इसको जो है मैं दोबारा डाल रहा, ये सब रिप्लेसमेंट हो रहा है, सब में क्या हो रहा है बच्चा पार्टी, इसमें सब में N2 गैस का रिप्लेसमेंट हो रहा है ना, इन सारी की सारी रिएक्शन में बच्चों N2 गैस का रिप्लेसमेंट हो रहा है। आप देख सकते हैं, जान सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई डाउट है तो आप बढ़िया से इसको पूछ सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं, सारे के सारे ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास, ठीक है ना। आइए नई बात, आगे बढ़ते हैं फिर से, सुनिए, अगर सपोज एक रिएक्शन ऐसा आता है AR ऑफ N2 पॉजिटिव चार्ज ऐसा लिख के देता है, इसको अगर उसने लिखा कि NaNO2 NO प्लस HBF4, तो इसका ओवरऑल क्या मीनिंग है वो भी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो है F- ही इसमें बनेगा,
मतलब कहने का ये मीनिंग है यहाँ पे F एक ऐसा फ्लोरोबेंजीन टाइप का कंपाउंड बन जाएगा, इसको भी नोट कर लो क्योंकि ये भी एक एग्जांपल ऑफ रिप्लेसमेंट रिएक्शन, एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये भी नोट कर सकते हैं आप लोग इसको। ठीक है ना। चलिए तो रिप्लेसमेंट रिएक्शन को आज तक आप पढ़ते आ रहे थे, जहां जहां पे हमने थोड़ा बहुत यूज किया होगा रिप्लेसमेंट रिएक्शन को, वो आप लोग समझ गए होंगे कि सर ने कहां पे यूज किया। आइए आज समझ समय में आ गया है बच्चों कि अब आप लोगों को कपलिंग रिएक्शन पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कपलिंग रिएक्शन। जानते हैं पहले कपलिंग क्या होती है, कपलिंग रिएक्शन कैसे करते हैं। कपलिंग रिएक्शन, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ द कपलिंग रिएक्शन, है ना। कपलिंग रिएक्शन का क्या एग्जांपल है, कैसे आप कपलिंग रिएक्शन को करते हैं, वो सब बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है ना। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताता हूं बच्चों इसमें कपलिंग होती कैसे है। सपोज आपके पास ये ए आर ऑफ एन टू पॉजिटिव कंपाउंड है, इस ए आर ऑफ एन टू को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, देखो तो लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल। अब मैंने क्या किया, इस पे सपोज एक न्यूक्लियोफाइल अटैक कराया, अब न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करेगा ये जरा सोचो। मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक तो मैं न्यूक्लियोफाइल को यहां से अटैक करा देता हूं, इसको बाहर कर देता हूं, या दूसरा मेरे पास एक और पॉसिबिलिटी है, मैं न्यूक्लियोफाइल यहां से अटैक करा देता हूं तो इसको इधर ले लेता हूं। आई बात समझ में, क्या दो पॉसिबिलिटीज है, या तो मैंने इस न्यूक्लियोफाइल को यहां से अटैक कराया इसको बाहर तोड़ा, या मैंने इस न्यूक्लियोफाइल को ऐसे, जब न्यूक्लियोफाइल ने यहां से अटैक किया तो ये आपने पढ़ लिया, तो ये तो आपने पढ़ा किसमें, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। N2 को रिप्लेस कर दिया, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब यहां से न्यूक्लियोफाइल ने जब यहां पे इसके साथ क्या कर दिया, कपल कर दिया, मतलब एक बॉन्ड बना दिया, N2 के साथ बॉन्ड बना दिया, बनाएगा ना, तो इसको बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। इसको बोला जाता है प्यारे प्यारे बच्चों कपलिंग रिएक्शन, ठीक है ना। ये कपलिंग रिएक्शन ऐसे होती है, इसको पहले नोट कर लीजिएगा, देन मैं आगे आप लोगों को कुछ बताने जाता हूं। ठीक है ना, अब सुनो भाई क्या होता है। इस कपलिंग रिएक्शन का जनरली हमारे जीवन में भी इसका कुछ इंपॉर्टेंस ही है, हमारे डेली लाइफ में इस कपलिंग रिएक्शन का कुछ इंपॉर्टेंस है। बच्चों सुना होगा आप लोगों ने, कपड़ों में जो कलर आते हैं, कलर जो कपड़ों की फैक्ट्री होती है अहमदाबाद में, आपको पता है कपड़ों के सबसे बड़े कारखाने हैं, सूरत में जो है आप लोग जानते हैं, पूरे देश में जो है सबसे बड़े जो
कपड़ा कारखाना है, कपड़ा जो फैक्ट्री है वो अहमदाबाद और सूरत में है। आप कभी जाइएगा अहमदाबाद में तो वहां पे देखना उन कारखानों में जो कपड़ों में कलर किया जाता है, वो कुछ कलर एक्चुअली क्या होता है, कुछ कंपाउंड डाला जाता है उसमें, समझ में, कुछ ऐसी चीज डाली जाती है जो परमानेंटली कलर हो जाता है। कुछ कपड़ों के क्या होते हैं, कलर उड़ जाते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिक मटेरियल या कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस उनमें डाले जाते हैं जो बिल्कुल उनको कलरफुल कर देते हैं। तो वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड या जो ऑर्गेनिक चीजें वो लोग यूज करते हैं उनको बोला जाता है डाइज, डाई, जैसे बोलते हैं ना सिर में डाई करवा ले, है ना। तो डाइज का मतलब जनरली होता है कलर, समझ रहे हैं क्या। तो हमारे पास भी, तो एक्चुअली हम लोग केमिकल लैंग्वेज में उनको एजो डाई बोलते हैं। तो जो डाई बनी हुई रहती है, जो कलर करने वाला जो ऑर्गेनिक मटेरियल रहता है, वो इसी से बनता है, जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, इसी सॉल्ट से जो डाई वाले कंपाउंड बनते हैं, इसी सॉल्ट से जनरली किसी कपड़ों में या किसी भी सब्सटेंस में कलर आता है। तो कलरफुल चीजों को, किसी चीज को कलरफुल करने के लिए हम लोग उसमें जनरली इस बेंजीन डाइजोनियम को डाला जाता है। बेंजीन डाइजोनियम के साथ एक और चीज बनती है, एक किसी और दूसरे को कपल करवाया जाता है, तब हम लोग उसको यूज करते हैं, ठीक है ना। आइए उसके बारे में मैं आपको धीरे धीरे डिटेल में बताऊंगा, पहले आइए थोड़ा बहुत सीख जाए क्या है। जनरली होता क्या है बच्चों, फिनॉल एंड एनिलीन आर जो है हाईली एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, हाईली एरोमेटिक या इसको बोलते हैं हाईली रिएक्टिव कंपाउंड होते हैं। और जनरली जब भी रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट विद बेंजीन बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन बेटा, हाँ सर स्मिथ को ऐड कर दो ना। तो मैंने आपको क्या बताया, जरा ध्यान से देखिए और आराम से देखिए कि बच्चों मैं ये बता रहा हूं आपको, फिनॉल और एनिलीन जनरली हाईली रिएक्टिव कंपाउंड होते हैं। जब भी ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये एक बनाते हैं कलर्ड, इसको बोलते हैं कलर्ड एजो कंपाउंड। जो कलर्ड एजो कंपाउंड की बात कर रहे हैं वही जो है डाई कंपाउंड है, उन्हीं को हम लोग जनरली डाई कंपाउंड बोला जाता है। जो कलरफुल कंपाउंड होता है, जो पाउडर होता है, जो लिक्विड होता है, उसी लिक्विड को ही हम लोग वही एक्चुअली बेंजीन डाइजोनियम के, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को फिनॉल और एनिलीन के साथ कपल करके बनाया जाता है, और तब हम लोग उसको कपड़ों में छिड़कते हैं या जो भी चीजों को आप कलरफुल करते हैं बच्चों, तब उसको वहां पे यूज किया जाता है। समझ में आ रहा होगा शायद आप लोगों को, ठीक है ना। मैं आप लोगों से क्या कह रहा हूँ बहुत अच्छे से देखिएगा आप लोगों से क्या बोला जाता है, ठीक। अब सुनो भाई, सबसे पहली बात तो क्या है, जब भी मैं देखो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को, ठीक है ना, फिनॉल के साथ कपल करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूं मैं, के साथ जब मैं इसको कपल करूंगा बच्चों, ये जो कपल मैं यहां पे इसके साथ करूंगा, जो मैं इसके साथ कपल करूंगा, ये कपल ऑलवेज ऑलवेज जो है बेसिक मीडियम में होगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, जरूर पूछा जाता है। जब मैं कभी भी बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को फिनॉल के साथ कपल कराऊंगा, अभी मैं समझाऊंगा कपल कैसे करवाते हैं, तो वो जो कपलिंग होगी उसका जो मीडियम होगा वो बेसिक होगा, ये एक तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और वहां पे जो पीएच होगा वो 9 to 10 की अप्रोक्सीमेट होगा। पीएच की वैल्यू अगर ज्यादा होती है
पीएच की वैल्यू बच्चों अगर ज्यादा होती है तो आप लोग तो पहले से जानते हैं, ठीक है ना, आप लोग तो पहले से बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमेशा हमेशा क्या हो जाता है, हमेशा हमेशा जो है बेसिक मीडियम बढ़ जाता है। और दूसरी बात मैं यहां पे लिख रहा हूं, अगर मैं इस ए आर एन टू के कंपाउंड को एनिलीन से रिएक्शन करवाता हूं, एनिलीन से कपल करवाता हूं, तो उस टाइम पे जो मीडियम होना है, ये मस्ट बी कंडीशन है, उस टाइम पे जो मीडियम होना है प्यारे बच्चों, उसका एसिडिक होना है। पीएच की वैल्यू जो होगी 4 से 5 के बीच में होगी, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, दोनों की दोनों बात है। यहां से यहां तक पूरा पता होना चाहिए, आप नोट कर लो पहले इसको। मतलब अगर बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड या बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, अगर मैंने कहा आप लोगों से किसी फिनॉल के साथ रिएक्शन कर रहा है या फिनोलिक कंपाउंड के साथ ये रिएक्शन कर रहा है, तो ये बात हमेशा आप लोगों को ध्यान रखनी है, उस टाइम पे जो उसका मीडियम होगा, वो मीडियम हमेशा जो है बेसिक होगा। और अगर एनिलीन के साथ रिएक्शन करवाएगा तो उस टाइम पे जो मीडियम होगा बच्चों, वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, ठीक है, वो जो है क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपको ये पता होना चाहिए, एसिडिक होगा। और कंपाउंड जो बनेंगे उनके भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो भी एक कंपाउंड बनेगा, जो भी यहाँ पे कंपाउंड बनेगा फिनोल के साथ रिएक्शन करने से, वो जो है ऑरेंज कलर का बनेगा। फिनोल से जो है ऑल ग्रुप लगा हुआ है तो ऑरेंज याद रख सकते हैं आप लोग, है ना, ऑल ग्रुप लगा हुआ है तो ऐसे याद रख सकते हैं, फिनोल ऑल ग्रुप लगा हुआ है तो ऑरेंज वाला कंपाउंड बनेगा, ऐसे याद रख सकते हैं आप, समझ रहे हैं। और इसमें जो कंपाउंड बनेगा बच्चों, वो आपका येलो कलर का कंपाउंड, वो आप लोगों के पास येलो कलर का कंपाउंड बनेगा, ये आप लोगों को याद रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको याद रखना है, नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना। अब मैं एक रिएक्शन की कपलिंग करवा के दिखा रहा हूं, बाकी हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो देखिए क्या है, देखिए ये एक ऐसा बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट है, इस सॉल्ट को अगर आप बच्चों फिनॉल के साथ रिएक्शन करते हो, देखिए ये फिनॉल है और आपको बताया था यहाँ पे बेसिक मीडियम होना चाहिए, पीएच की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 9 to 10, आपको बोलेगा ध्यान रख लेना पीएच की वैल्यू कितनी होगी, जरूर पूछेगा, या पीएच दे देगा, प्रोडक्ट पूछेगा, कुछ ना कुछ जरूर पूछेगा, इस बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है बहुत बार। तो कपलिंग कैसे होती है, यहां से न्यूक्लियोफाइल मतलब स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, यहां से मतलब स्टेबल कब बनेगा, फिनॉल में पूरा रेजोनेंस होगा, फिनॉल वाला ये इधर आएगा, देखिए ये यहां से इधर आएगा, फिर ये यहां से इधर आएगा, और ये जो डबल बॉन्ड है, और ये यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है, ये यहां से ऐसे आएगा, ठीक है ना। तो ये क्या बनाएगा, जरा देखिए, पीएच हो जाएगा, एन हो जाएगा, डबल बॉन्ड एन हो जाएगा, और यहां पे ठीक
ठीक है ना, तो ये एक ऐसा ओ एच ऐसा बन जाएगा, देख रहे हैं कपलिंग वाला एक कंपाउंड बन गया। तो ये इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। एक जो है ऑरेंज कलर का, ऑरेंज कलर का डाई है, एक ऑरेंज कलर का डाई, इसका मतलब होता है कलरफुल कंपाउंड, ठीक है ना। एक ऑरेंज कलर का कंपाउंड है और जिसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। तो मतलब फिनॉल के इस साइड से, फिनॉल के इस साइड से कपलिंग होगी यहां। आया समझ में क्या? किसी को अगर कोई डाउट है तो पूछो, अगर किसी को डाउट है तो पूछो भाई कि कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सब बातें आप लोग पूछ सकते हैं। किसी स्टूडेंट को अगर इसमें कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के, कैसे हुआ, क्यों हुआ और क्या इसका रीजन, ठीक है ना। अगर कोई बड़ी कोई बात अगर पूछनी है तो बढ़िया से आराम से आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के कंपाउंड है, बहुत सारी रिएक्शन हमारे पास कल के लेक्चर के लिए बची हुई है और कुछ एग्जामिनेशंस में आई हुई है, प्रीवियस ईयर में भी बहुत बार पूछी जाती है इस टाइप की रिएक्शन, प्रीवियस ईयर में भी आप लोगों से बहुत बार पूछी गई है। तो कहीं ना कहीं इस टॉपिक का, कहीं ना कहीं इस टॉपिक का बहुत ही इंपॉर्टेंसी है। तो इस इंपॉर्टेंसी को मेंटेन करने के लिए हम लोगों ने, ठीक है, हम लोगों को जो है तैयार रहना है, ठीक। चलिए मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में कल फिर से आप लोगों से। फिलहाल के लिए आप इसको पढ़ते रहिए, ठीक है ना, रिवाइज करते रहिए। किसी को अगर कोई डाउट है पूछते रहिए।